Hello everybody, myself Dr. Shailesh Sancheti, MD Homeopath from Pune. आज हम बात करेंगे एक स्पाइन की बीमारी के बारे में जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। हॅलो, मी नंदा लुणावत। मला स्पॉन्डिलायसिसचं जे सिमटम्स आले, मी डॉक्टरकडे आले, मला चक्कर यायला लागली होती म्हणून, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी मला एक्सरे काढायला सांगितलं। त्याच्यामध्ये त्यांना लक्षात आलं की हे सगळे सिमटम्स स्पॉन्डिलायसिस आहे। त्याच्यानंतर मी त्यांची ट्रीटमेंट चालू केली आणि मला थोड्याच दिवसात चांगला फरक पडला। थँक्यू। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलायसिस हम बार बार सुनते हैं, पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है, स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है। एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मतलब क्या? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मतलब ये होता है, अपनी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डियों में जितने वर्टिब्राज हैं, यानी कि जिसको हम मनके बोलते हैं, उसके बीच में एक चक्ती होती है, यानी कि डिस्क होती है, जो अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे किसी भी वजह से घिसना शुरू हो जाए और दो वर्टिब्राज के बीच में का अंतर कम हो जाए और वो वर्टिब्राज एक दूसरे को टच करने लग जाए, मान लीजिए एक वर्टिब्रा इसके बीच में यहाँ पे डिस्क है। अब ये अगर मान लीजिए कम हो जाए तो इधर इस एक दूसरे को टच करेंगे या फिर उस पर सूजन आएगी या वो स्लिप हो जाएगी, यानी कि अपने जगह पर उसको उसके थिकनेस में कुछ भी चेंजेस आ जाए जिसके वजह से जो भी तकलीफें होती है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सो इस बीमारी में क्या क्या शिकायतें होती है? इसमें पहली तो शिकायतें होती है कि आपको गर्दन में अकड़न आए, गर्दन में सूजन महसूस हो, आप ऐसे हाथ लगा के चेक करेंगे तो वहाँ पे ऐसे गर्मी सी महसूस हो, यहाँ पे आपको ऐसा टाइट ऐसा खिंचाव लगेगा जिसकी वजह से आपका जो नेक का मोमेंट है राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, इसके अंदर आपको तकलीफ महसूस हो। कुछ कुछ केसेस के अंदर आपको गर्दन की वजह से यानी कि स्पॉन्डिलोसिस की वजह से चक्कर आने को भी महसूस होता है, लेकिन इसके चक्कर भी एक खास तरीके से आते हैं, जैसे आप नीचे से तुरंत उठ गए या किसी ने आवाज़ दे दी और तुरंत टर्न कर लिया तो आपको गिड़ीनेस यानी कि चक्कर के जैसा महसूस होता है। अब इसमें और एक इसको पहचानने का एक तरीका है, आप फ़ोन पे बात कर रहे, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आपको हाथ में झंझनाहट शुरू हो जाती जिसको हम टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं, इसमें भी पता चल जाता है कि यहाँ आपके गर्दन में नर्व कॉम्प्रेस हो रही, मतलब आपके डिस्क का थिनिंग हो रहा है। अब मान लीजिए आप कोई चीज़ ऊपर से उठा रहे हो, बहुत देर तक कोई चीज़ उठा रखी है और आपको हाथ के अंदर जैसे झिनझिनी बोलते हैं यानी कि नमने जिसको बोलते हैं, तो वो जो शुरू हो जाता है, ये टिपिकल साइन है आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को पहचानने का, मतलब आप विदाउट एक्सरे भी आप इसको पहचान सकते हैं। अब ये बहुत बार ऐसे था कि डॉक्टर साहब अगर ये अभी इतने यंग एज है इसमें भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है क्या? हालांकि आज की डेट में जो मोबाइल है लैपटॉप है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट आपके सीटिंग पोस्चर में ज़्यादा आने लग गया है जिसका इफेक्ट आपके गर्दन के ऊपर ज़्यादा है। इस वजह से आज कल जो स्कूल्स हैं वो भी ऑनलाइन शुरू है जिसका एक इम्पैक्ट है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायतें आज हमें क्लिनिक में ऐसे पेशेंट देखने मिलते हैं। अब इसके ऊपर एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर देखा क्या जाता है, पेशेंट्स को एक्सरसाइज के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं, अगर गलत एक्सरसाइज करते उससे भी ये तकलीफ होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे ये बीमारियों में ये बाकी के अगर इसको डील नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके और कॉम्प्लिकेशंस भी आने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं होम्योपैथी में हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया कि डिस्क में जो थिनिंग होता है इसको डीजनरेटिव डिसीज भी बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में यानी कि क्रॉनिक फेज में चला गया तो। होम्योपैथी में इसका परमानेंट सोल्यूशन है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और मैंने जो पेशेंट्स को डील किया उनके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि आपका रूटीन, आपका ईटिंग पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपके वर्किंग स्टाइल, आपका सिटिंग पोस्चर इसके लिए बहुत मायने रखता है। देखिए कोई भी बीमारी परमानेंट तब रहती है जब आपको उस तरीके से उस लेवल तक के आपका रूटीन भी चेंज करती है, वरना अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बट ऑबियस है तो वो शिकायत वापस आ भी सकती है। होम्योपैथी में हम कैल्केरिया फ्लोर, नेट्रमसन, पॉस्पर्स, आर्निका, एसिड फॉस,
ऐसी दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। इस बीमारी में ये जो दवाइयाँ है वो एज वाइज मैटर करती है। पहला पॉइंट, आपका वर्क स्टाइल कैसा है वो मायने रखता है। तीन, आपकी बोन डेंसिटी कितनी है, आपका हाइट कितना है, आपको कितने लेवल तक रिजिड या आपका टेंडरनेस या कितना कॉम्प्रेशन है। बहुत बार ये भी देखते हैं कि जैसे आप अगर खुद भी हाथ इधर लगाओगे तो आपको एक ऐसा वर्टिब्रा यानी कि एक हड्डी ऐसी बाहर नोकली दिखती है, जिससे भी आपको पता चल जाता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। होम्योपैथी ये इसके लिए बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। इसमें एक्सरसाइज के तौर पे अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगा, आपने सिंपल एक्सरसाइज करना है, बिना पिलो के बिना गद्दे के हार्ड सरफेस पे सोना है, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करना यह आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है और आपके हेल्थ के अंदर एक पॉजिटिव सुधार आता है, जो कि आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए बेस्ट आप बोल सकते हो। सो फाइनली आज हमने बात की सबसे कॉमन बीमारी के बारे में, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। आपको अगर इसके अलावा और कोई बीमारियों के बारे में जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो, या फिर आपको और कोई शंकाएँ हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास मेडिसिन थ्रू कुरियर डोर डिलीवर अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद होम्योपैथी। थैंक यू।